हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का। चलिए शुरू करते हैं महाकाल का नाम लेके आज का सेशन। शेयर करते हैं आपके साथ डेटा एनालिसिस। उसके पहले आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है आप लोगों ने अपने हॉलीडे को अच्छे से एंजॉय किया होगा। हम सब पर जो है महाकाल की जो है कृपा बनी रहे। आइए शुरू करते हैं डेटा का सेशन। कैश में एक डेटा आया दोस्तों, काफी इंटरेस्टेड है। बहुत लोगों ने फर्स्ट जब ये डेटा देखा कि 7 मार्च को FII ने जो है 7304.11 CR की जो है बाइंग की, तो काफी जो है सरप्राइज हो गए। लेकिन ये डेटा दोस्तों एक्चुअली ऐसा है नहीं जैसा दिख रहा है। थोड़ा सा फोकस कीजिएगा यहाँ पे। इसमें बेसिकली दोस्तों एक ब्लॉक डील हुई है जो कि बिग बुल द्वारा है, काफी अच्छे क्वांटिटी के तौर पे है। 4 share 21,72,457, 4,21,72,457 शेयर का दोस्तों एक सौदा हुआ है जो कि 0.07% का है। और ये जो है GQG पार्टनर के द्वारा किया गया है भारतीय एयरटेल में। इसी वजह से दोस्तों ये जो आंकड़ा है ये इतना लंबा चौड़ा बढ़ के जो है आता हुआ दिखाई दिया है। अभी आप इस डील को अगर देखेंगे तो जस्ट 6,000 CR की जो है इसकी जो है ऑलमोस्ट वैल्यू आएगी। आप ये कह सकते हैं कि 1,000 CR की जो है इन्होंने बाइंग की है। बिल्कुल इतना कह सकते हैं, 1,000 CR ऑलमोस्ट रफली जो है इनका बाई आएगा। तो डोंट बी सरप्राइज, FII इतना बाई करने वाले नहीं है, ना इन्होंने किया है। तो आइए हम चलते हैं फेंडो के डेटा पे। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे दोस्तों समरी के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए समरी में आपको जो है क्लाइंट दिखाई देगा लॉन्ग पोजीशन बनाते हुए, इंडेक्स फीचर पे लॉन्ग किए, कॉल पे लॉन्ग किया, इंडेक्स पुट पे सेलिंग की और स्टॉक फीचर पे भी सेलिंग की। FII की बात करेंगे, इंडेक्स फीचर पे दोस्तों लॉन्ग किया, कॉल पे लॉन्ग किया, पुट पे जो है शॉर्ट है और स्टॉक फीचर पे लॉन्ग है। प्रो की बात करेंगे तो प्रो ने इंडेक्स फीचर में शॉर्ट किए, कॉल पे सेलिंग की और पुट पे जो है लॉन्ग किया और स्टॉक फीचर पे सेल किया। डे की बात करते हैं तो इंडेक्स फीचर पे शॉर्ट, कॉल पे कुछ नहीं, पुट पे छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग है और स्टॉक फीचर पे लॉन्ग है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर्टी ट्रेडर है वो सेल साइड गए हुए हैं, FII जो है लॉन्ग साइड गया हुआ है और क्लाइंट भी अब लॉन्ग साइड जाता हुआ दिख रहा है। तो आइए हम मेन डेटा के ऊपर चलते हैं, होल्डिंग डेटा के ऊपर, जहां से हमें एग्जैक्ट डेटा का जो है पिक्चर मिलता है। क्योंकि फर्स्ट प्री डेटा को देख के ऐसा लग रहा है कि डेटा जो है चेंज हुआ है एक हैंड से दूसरे हैंड में काफी अच्छे से। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे इंडेक्स फीचर के ऊपर। क्लाइंट के पास 60,000 का दोस्तों लॉन्ग है यहाँ पे, DI के पास 28,000 का दोस्तों शॉर्ट सेल है, FII के पास 33,000 का दोस्तों शॉर्ट सेल है और प्रो के पास 1200 का जो है यहाँ पे लॉन्ग है। तो FII की पोजीशन देखिए शॉर्ट जो है रिड्यूस हुए हैं, प्रो के देखिए लॉन्ग रिड्यूस हुए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा हुई है। अब कॉल की बात करेंगे, कॉल पे देखिए क्लाइंट के पास 83,000 जो है शॉर्ट सेल हो गया, अब FII के पास 93,000 जो है लॉन्ग हो गया और प्रो के पास 9600 और केवल यहाँ पे शॉर्ट बना है फ्रेश में। अब इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 2,43,000 जो है शॉर्ट सेल है, पुट डे के पास 42,000 जो है लॉन्ग है, FII के पास 125 क्वांटिटी लॉन्ग है और प्रो के पास अब 75,000 लॉन्ग हो गए शॉर्ट के सामने। ये इम्पॉर्टेंट डेटा है। स्टॉक फीचर की बात करेंगे, क्लाइंट के पास 16 लाख जो है लॉन्ग है और DI के पास 21 लाख शॉर्ट, FII के पास अब 1 लाख जो है लॉन्ग हो गए और प्रो के पास 327 लॉन्ग है। देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। डेटा आप देख रहे हैं डायरेक्टली की चेंज होता हुआ दिखाई दिया। अभी हम डेटा को जो है यहाँ पे ब्रेक थ्रू करेंगे, डेटा को जो है डिकोड करेंगे। उसके पहले आपको बता दूं कि आज सेशन के लास्ट में मैं आपको ईयरली जो है एक वन लाइन का जो है व्यू दूंगा, जो आज के सेशन का बोनस होगा। सेशन को लास्ट तक देखिएगा, जब कंक्लूड करेंगे फाइनली उस समय मैं वो लाइन दूंगा। और हर साल आपको उस चीज पे फोकस करनी चाहिए, हर साल वो चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है, अगर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो भी और अगर ट्रेड करते हैं तो भी। अब आइए आगे बढ़ते हैं, डेटा को डिकोड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे क्लाइंट के डेटा को, तो बात करते हैं दोस्तों हम लोग क्लाइंट की। तो क्लाइंट के पास देखिए 60,000 जो है यहाँ पे लॉन्ग है इंडेक्स फीचर, 83,000 दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट है कॉल और 243 जो है यहाँ पे शॉर्ट है पुट। सो टोटल इनका MTM हो जाएगा 2,20,000 दोस्तों अब इनके पास लॉन्ग हो गया शॉर्ट के सामने। बात करेंगे दोस्तों FII की, तो FII के पास देखिए अब 33,000 जो है शॉर्ट है इंडेक्स फ्यूचर, 93,000 जो है कॉल लॉन्ग है और 125 जो है यहाँ पे पुट भी लॉन्ग है। सो टोटल इनका MTM हो जाएगा 65,000 का दोस्तों इनके पास सेल पोजीशन है, क्वांटिटी काफी कम हो गई है। अब बात करेंगे प्रो की, तो प्रो के पास देखिए 1,277 यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग और 9,636 यहाँ पे कॉल शॉर्ट है और 75,000 यहाँ पे पुट
लॉन्ग है। सो टोटल एमटीएम हो जाएगा 1,19,000 दोस्तों सेल। आपने देखा होगा निफ्टी की एक्सपायरी कैसे हुई थी, क्योंकि प्रोप्राइटरी जो ट्रेडर थे इनके पास लॉन्ग पोजीशन थी या फिर के पास शॉर्ट पोजीशन थी, वो सारी पोजीशन ऊपर नीचे एडजस्ट होके मार्केट रेंज बाउंड होके काम कर गया, हालांकि लास्ट में प्रेशर दिखाई दिया। अब देखिए एफआईआई के पास सेल हो गया और प्रो के पास, दोनों के पास अब सेल हो गया और क्लाइंट के पास अब लॉन्ग हो गया। क्लाइंट पहले कहां थे, सेल साइड थे, अब कहाँ हो गए, लॉन्ग साइड हो गए, पोजीशन चेंज हो गई। या फिर यही तो खैर सेल में थे, प्रोबेबिलिटी जो है लास्ट के दो दिनों में फिर से जो है आके कंजर्वेटिव सेल किए हैं और आके लास्ट में सेलिंग पे जो है आके होल्ड हो गए हैं। तो डेटा दोस्तों ये इंडिकेट कर रहा है कि अपर लेवल मार्केट में स्टक करेगा, अपर लेवल पे जाके बाई करने की जरूरत नहीं है, लोअर लेवल पे एक हिंट मिलेगा जरूर बाई करेंगे, लेकिन ब्रेकआउट वाले लेवल जो है हम अवॉइड करेंगे। तो आइए हम चलते हैं टेक्निकल लेवल पे, ताकि हमें वो एग्जैक्ट लेवल मिले जहां से हमें रिवर्सल लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड देखना हो। जैसे एग्जांपल के लिए स्टडे के लिए हमने क्लियर कट जो है दिया था कि 48,000 हमारा मेक एंड ब्रेक लेवल होगा। एग्जैक्टली देखिए 48,000 समथिंग की हाई है, 71 समथिंग की, और वहां से डेलो पे आप क्लोज हुए। क्लियर कट इंडिकेशन था बाई नहीं करेंगे, सेम वैसे ही जो लेवल निकालने की कोशिश होगी। 48,10 जो है रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है 47,300। अब हम इसको स्मॉल टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं। देखिए मैंने लक्ष्मण रेखा ड्रॉ कर रखी है, अपर लेवल जब तक क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड होकर क्लोज नहीं होगा तब तक हम दोनों ही इंडिसेस में बाइंग जो है अपर लेवल पे अवॉइड करेंगे, लोअर लेवल पे जरूर जो है बाई करेंगे अगर हमारे अकॉर्डिंग जो मार्केट होल्ड करें। अब आपने जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में 48,70 का जो हाई बनाया, सेकेंड अटेम्प्ट अगर आप 48,200 तक भी जाते हैं और होल्ड नहीं करते हैं तो वहां से भी फिर प्रेशर दिखाई देगा, तो फिर हम वहां पे सेल करेंगे। जस्ट अभी सेशन से थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि डाउ ने लोअर लेवल से काफी अच्छी शार्प रिकवरी की है, तो एक बार डाउ की क्लोजिंग भी ओवरनाइट देख लेंगे तो मंडे का थोड़ा सा जो है क्लू जरूर मिलेगा, आइडिया लग जाएगा कि क्या होना है, क्योंकि हमारे अल्टीमेटली वन डे जो है हॉलीडे था तो थोड़ा सा जो है व्यू लेने के लिए देखना पड़ेगा। हालांकि निकेई जो है, निकेई के जो फ्यूचर हैं वो जो है यहाँ पे डाउन साइड ट्रेड कर रहे हैं, 177 समथिंग पॉइंट निगेटिव से ट्रेड कर रहे हैं, तो इंडिकेशंस जो है दोनों साइड से आ रहे हैं, मिले जुले आ रहे हैं। ये जो दोस्तों यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है ना, ये डिसाइड करेगा। अब कहीं भी गैप अप खुली अगर आके दोबारा इस जोन में आ जाते हैं तो आपको जो है एक चीज़ याद रखना है कि ये जो है आपको एक वीकनेस का जो है साइन है, और किसी भी एंगल से आप 48,000 के अगर नीचे हैं तो आपको सेल साइड ही देखना है। 48,000 के ऊपर गैप अप करने के बाद भी रिट्रेसमेंट लेके अगर होल्ड कर रहे हैं तब हम अपने बाई साइड व्यू को लेके चलेंगे, व्यू को चेंज करके। अगर 48,000 के नीचे हैं तो हम सेल साइड देखेंगे, कोई भी गैप अप होता है रिट्रेसमेंट के बाद 48,000 होल्ड है, देन आफ्टर हम लोग बाई साइड ही रहेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की। निफ्टी का रेजिस्टेंस है 22,545 का, सपोर्ट है 22,345 का। अब निफ्टी में किस हिसाब से काम करना है तो देखिए स्मॉल टाइम फ्रेम पे स्विच करके देखते हैं। तो एग्जैक्ट निफ्टी देखेंगे तो फिर प्रीवियस की तरह जो है एक जैसे बैंक निफ्टी ने फ्लैग दिया था वैसे ही फ्लैग दी है। अब इस फ्लैग का अगर ब्रेकआउट होता है, अपर लेवल होल्ड होता है, देन आफ्टर एक रिस्क बनेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस अवेलेबल है। अगर 520 ब्रेकआउट होने के बाद भी अगर अपर लेवल होल्ड नहीं हुआ और दोबारा आगे 500 को ब्रेक कर गया तो समझिएगा कि व्यू सेल साइड रहेगा या वीकनेस के साइड रहेगा। और अगर कोई भी गैप अप नहीं हुआ और 22,450 के नीचे अगर आप खुलते हैं तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि सेल करेंगे। तो मार्केट कहीं भी खुले, 630, 625 कुछ भी खुले, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल को ऑब्जर्व करना है। अगर सेलिंग कैंडल बन गई, रेड कैंडल बन गई, तो अब चूंकि आप एक दिन की छुट्टी के बाद खुल रहे हैं तो उतना गैप अप हमें एक्सपेक्ट नहीं था और वो हमें कंसीडर करके चलना पड़ेगा, तो उसको हम फॉर ए मोमेंट होल्ड करेंगे। वही जो है डे हाई का हमारा एसएल होगा, उसी एसएल से होल्ड करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट को गिरना होगा, करेक्शन देना होगा, तो वो 100-150 पॉइंट जो भी हो इमीडिएटली निकल जाएंगे। और अगर बाजार इसके नीचे आने लगा 22,500 के नीचे तो हमारा सेफ हो जाएगा, जिसने भी सेल होल्ड किया होगा तब हम फ्रेज में भी सेल ले सकते हैं। अदरवाइज अगर दिखाई देगा कि 500 पे आके होल्ड कर रहा है तो यहीं आसपास की सेलिंग है, टॉप की सेलिंग दी हुई है, यहीं पे जो है अपने सेलिंग को क्लोज कर देंगे माइनर लॉस में। और अगर 500 ब्रेक हो गया स्पॉट पे देन आफ्टर होल्ड करेंगे शेलिंग के साथ उसको, और फिर उसको राइड करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग फाइनेंस निफ्टी के ऊपर। फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 21,135 का, सपोर्ट है दोस्तों 28,20 का। अब हम इसको स्मॉल टाइम फ्रेम पे स्विच कर देते हैं। तो जो सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है दोस्तों, वो थोड़ी सी सिचुएशन यही कह रही है कि बाजार यहाँ से एक करेक्शन रिट्रेसमेंट जो भी कहिए वो देना चाहिए। तो फाइनेंस निफ्टी के लिए मैंने एक जो है यहाँ पे लक्ष्मण रेखा ड्रॉ कर रखी है 21,100। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक हम यहाँ पे सेल ऑन राइज रहेंगे। अगर 21,120 होल्ड होने लगा
देन आफ्टर हम यहाँ से व्यू चेंज करेंगे बाई के लिए, अदरवाइज 21,100 जब तक ब्रेक नहीं होता है इच राइज जो है सेल के लिए यूज करेंगे। कोशिश करेंगे कि डे हाई पे ही सेल करें ताकि हमारे स्टॉप लॉस बहुत ही नन्हे से बने, और अगर ये लो ब्रेक होता है 29.50 का तब तो बिल्कुल समझिए कि कन्फर्मेशन जो है श्योर आ रही है सेलिंग के लिए। अब हम चलते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। पहला जो स्टॉक रहेगा दोस्तों बिना किसी लेवल के वो रहेगा ONGC, एक निगेटिव न्यूज आई है। हमारे PM ने आज इंटरनेशनल वोमेन डे पे जो है गैस की जो प्राइजे हैं वो 100 रुपये पर सिलेंडर जो है कम किया है, और मुझे सिर्फ ये याद है कि MGL और IGL के ऊपर सिर्फ जो है जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जो सिटी में जो है गैस डिस्ट्रीब्यूट करती हैं 7 रुपये 8 रुपये कम की थी तो 11-12% गिर गया था, तो ये काफी कम रेट हुआ है। 100 रुपये मतलब काफी इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए, तो देखना यह होगा कि ONGC की शुरुआत कैसे होती है। अगर 3-4% गैप डाउन खुलता है तो इमीडिएटली भी सेल कीजिएगा, अगर ज़्यादा गैप डाउन खुला तो पुल बैक पर सेल कीजिएगा। कुछ भी गैप डाउन नहीं खुला 270 का लेवल नोट करके जाइए, 270 के नीचे अगर ये होल्ड करना शुरू किया तब आप फ्रेश सेल वहाँ से इनिशिएट कीजिएगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है REC। REC देखिए बार बार ऊपर से जाकर रिजेक्ट हो रहा है, सेम लेवल है 460 के नीचे अगर आता है तो सेल करेंगे, अदरवाइज वेट एंड वॉच करेंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम ऑप्शन चैन पे। उसके पहले आज का जो है बोनस जो पॉइंट है वो मैं आपको जो दे देता हूँ। आज का जो बोनस पॉइंट है दोस्तों, वैसे मैं हर साल में ये कवर करता हूँ, एक चीज याद रखिएगा कि जब भी मार्च का जो सेशन है यानी कि मार्च का जो मंथ है जब क्लोज रहता है तो फरवरी एंड से लेके मार्च के फर्स्ट वीक तक बाजार जो है ऑलमोस्ट नहीं गिरता है, जो कि आपने देखा होगा एक वीक तक कितना स्ट्रांग रहा है। सेकेंड वीक से जो है प्रॉफिट बुकिंग एक स्टार्ट होती है, क्योंकि सबको जो है अपनी ईयर एंड की जो है क्लोजिंग दिखानी होती है। अभी जैसे अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो वो आपको ईयरली रिटर्न जो है दिखाते हैं। ईयरली रिटर्न दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मार्केट को थोड़ा अप रखना पड़ेगा, तो आपने देखा होगा फरवरी में कितना इक्विटी फ्लो जो है दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आगे भी इतना फ्लो जारी रहेगा। हालांकि लेवल के अकॉर्डिंग अपने टारगेट बड़े टारगेट बिल्कुल ऑन है, उसमें कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर ट्रेडिंग पर्पस ये एक बहुत छोटा सा जो है ट्रिक है जो कि आपको ईयर में वन टाइम होता है, आपको हो सकता है देखने को बिल्कुल मिलेगा, जल्दी मिलेगा, अगले वीक में मिल सकता है, तो इस पे थोड़ा सा नजर रख के चलिएगा, अदरवाइज इसको कम से कम अपने माइंड में लेके चलिएगा। अब आइए शुरू करते हैं ऑप्शन चैन बैंक निफ्टी का। सबसे पहले तो IDM पर कोई खास कंक्लूजन नहीं दिखाई दे रहा है, OTM पे देखेंगे तो पुट की राइटिंग जो है हो रखी है, और नियर में जब आते हैं कॉल पे तो यहाँ पे देखिए कॉल की राइटिंग लॉन्ग के कवर अप और राइटिंग ही दिखाई दे रही है, पुट की राइटिंग OTM पे है और पुट में बाइंग भी है, और जब ये दोनों डेटा मैच करता है ना तो मार्केट की जो मूव है डायरेक्शन है उसको मैं जेन्युइनली मानता हूँ, इसीलिए मैंने जो सेल दिया हुआ था। आपने देखा होगा जो निफ्टी फ्यूचर का जो सेल हम लोगों ने दिया था इसी वजह से दिया है, क्योंकि दोनों चीजें ठीक ठाक दिख रही है, मतलब हमारा जो ट्रेड है वो गलत नहीं है, ऐसा नहीं कि हम अगेंस्ट ऑफ मूव ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे पुट की बाइंग क्लियरली आपको दिख रही है, कॉल की राइटिंग दिख रही है, चाहे OTM हो चाहे ITM से स्टार्ट हो रखी है, और अगर ये सेम फ्लो ऑन रहता है तो मार्केट डेफिनेटली एक अच्छा करेक्शन आपको देगा। टोटल कॉल सेलर 21 लाख एंड टोटल पुट सेलर 18 लाख के करीब है, और आपने देखा होगा लास्ट वीक जो एक्सपायरी हुई है उसके पहले कॉल सेलर कम थे पुट सेलर ज्यादा थे, डेटा पॉजिटिव था, अभी क्या है डेटा निगेटिव है। अब देखिए टोटल जो कॉल सेलर है 48,000 पे बिल्कुल लगे हुए हैं और अब 48,000 के नीचे आराम से क्लोज हुए हैं। मेजोरिटी अब जो सेलर कहाँ है पुट साइड में 47,500 पे, वो भी आपके 48,000 वाली जो सेलिंग है उससे कम ही है, डबल है, मतलब 48,000 पे अगर देखेंगे तो कॉल सेलर 2 लाख यानी कि पुट सेलर से ज्यादा है, तो अगर मार्केट नीचे साइड में स्लाइड करेगा थोड़ा सा फोर्स देगा तो ये 47,500 भी टूट सकता है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और इसके बाद देखेंगे तो सीधे 47,000 पे अच्छे पुट सेलर है। तो मार्केट जब तक 48,000 को क्रॉस नहीं कर लेता है नो बाई क्लियर कट सिग्नल है, 48,000 ब्रेक होने के बाद भी 120 एक लेवल रहेगा जो होल्ड कर सकता है। कोई भी 48,000 की तरफ मूव आती है अगर होल्ड नहीं करती है आप सेल करके उसका फायदा ले सकते हैं, और राइस पे ही सेल करेंगे तो फायदा होगा, प्रॉफिटेबल ट्रेड रहेगा। फिलहाल के लिए जो एक्सपेक्टेड रेंज है वो 48,000 तक ही है, 48,000 के ऊपर मार्केट नहीं दिख रहा है। मैक्स पेन आपका शिफ्ट है 47,900 पे और उसके नीचे आप क्लोज हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पुट सेलर के लिए मार्केट रिस्की वाला जो है दिख रहा है। अब आइए चलते हैं निफ्टी के ऑप्शन चैन पे। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे तो कॉल बैंक दिख रही है ITM पे निफ्टी साइड में, पुट की राइटिंग भी है, कॉल की राइटिंग भी है, ITM पे देखेंगे तो राइटिंग ज़्यादा दिख रही है ITM पे जाके, पुट की राइटिंग OTM पे और ITM पे कॉल की राइटिंग निफ्टी में क्लियरली दिख रही है, बिल्कुल दूर तक जो सेलिंग है, और सबसे अच्छी बात की पुट की बाइंग भी दिख रही है। सो ये जो हम लोगों ने सेल लिया है बिल्कुल जेन्युइनली जो है बिल्कुल ट्रेड के अकॉर्डिंग है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग है, कोई भी दिक्कत नहीं है,
हालांकि खुलने के बाद अगर होल्ड नहीं होगा तो बिल्कुल नीचे आने में देर नहीं लगेगी। अब टोटल जो कॉल सेलर हैं 8,91,000 के, पुट सेलर 987। सो ओवरऑल जो बेसिस पे थोड़े से पुट सेलर अभी भी यहाँ पे ज़्यादा हैं 80,000 या 75,000, बट उस डेटा का जो है कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है और डेटा कभी भी चेंज हो सकता है। 22,500 पे हाईएस्ट कॉल सेलर हैं 84,000 के और पुट सेलर 400 पे हैं, जो कि पुट सेलर हैं थोड़े से कम ही है। तो 500 के नीचे जब तक हम हैं कोई रिस्क नहीं है। अगर इनके 600 जाते भी हैं और वो होल्ड नहीं होता है और आके हम 500 को तोड़ देते हैं तो भी आप सेफ हैं, इसमें भी आराम से जो आपको मूव मिल जाएगा। और जिन्होंने नहीं सेल किया है, जिनको नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि अगर राइज आ रहा है 600 तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं जस्ट छोटे से एसएल डाल के, क्योंकि जो गैप अप है गैप अप को आप अवॉइड नहीं कर सकते अगर इनके इसको आता है तो। हालांकि चांसेस कम है, दिख कम रहा है चार्ट पे, लेकिन पॉसिबल है कि आ सकता है क्योंकि हम एक दिन के गैप के बाद खुल रहे हैं। वर्ल्ड मार्केट से अगर हम देखें, क्लू लेने की कोशिश करें, डाउन ने लोअर लेवल से रिकवरी जरूर दी है। निकेई मैंने पहले ही बताया कि 170 पॉइंट ऑलमोस्ट डाउन ही है, तो कोई खास ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा जो है बूम बाइम की जो है सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लेवल को हम फॉलो करेंगे, स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, क्योंकि मौके मिलेंगे बाद में हम सेल कर लेंगे, लेकिन अपने जो प्रॉफिट होते हैं या जो लॉसेस होते हैं उसको हमेशा लॉसेस को रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए, प्रॉफिट को हमेशा ट्रेल करके इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए। सो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये जो एनालिसिस है आपको जो है मंडे के लिए हेल्प करेगी। संडे हमारा लाइव सेशन सेम टाइम पे प्लान्ड है और बाकी मिड कैप निफ्टी और एमसीएस की वीडियो भी टाइम पे आएगी। अपने प्यार एंड अपने जो सुझाव है जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।